वारजोन 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 जिसमें इतना हाइप हो गया कि मार्केट में, कि मतलब क्या ही बोले। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वारजोन कैसे चल रहा है और आपके डिवाइस में कैसे चल रहा होगा, आई मीन कैसे चल रहा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज, जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे वारजोन मोबाइल के बारे में, जो कि जो 3.4.2 के जो अपडेट आए हैं वो कैसा है अपडेट और वो कैसे चल रहा है। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है और मैं जितना मैं गेम प्ले में मैंने खेला दोस्तों, और जो भी मुझे मालूम चला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे भी जो अपडेट आया काफ़ी अच्छा अपडेट आया है इस बार, जो कि गेम थोड़ा बहुत स्मूथ हो गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाकी गेम की तरह ये गेम इंजन का जो है IWC जो बनाया है, जो कि डायरेक्टली लैपटॉप कंप्यूटर वाला गेम से डायरेक्टली पोर्ट हुआ है मोबाइल पे, औरों की तरह अनरियल इंजन अगर बनाता तो बहुत अच्छा होता, जैसे कि BGMI हो गया, PUBG हो गया, वो सब गेम अगर जैसे बनाता तो बहुत कुछ अलग ही होता है। एक्टिविशन एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, जो कि अगर वो अगर ऐसे कुछ अलग से बनाता तो फिर अलग ही गेम निकल कर आता, लेकिन वो डायरेक्टली पोर्ट कर दिए तो फिर थोड़ा टाइम चाहिए इस गेम को। और दूसरी बात ये है कि जो उसका जो अपडेट है, जो ग्राफिक्स का जो दो इस बार जो आया है ड्रॉपिंग का, काफ़ी स्मूथ है, और जो उसका ग्रास सब है वो काफ़ी थोड़ा सा रेंडरिंग थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी ज़्यादा आया है। और तीसरी बात ये है कि जब भी मैं गेम प्ले खेलता हूँ, हीटिंग इशू थोड़ा बहुत एंड्रॉयड में कम दिखा मेरे को, और लेकिन iOS पे जैसे कि आईफोन हो गया, हीटिंग इशू थोड़ा सा कम है। ज़्यादा से मतलब 100 से अगर बोलूँगा तो 2% ड्रॉप अगर हुआ होगा हीटिंग, तो ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन एवरेजली अगर मैं रेटिंग दूंगा हीटिंग को तो फिर 10 out of 7 दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। प्रॉपर हीटिंग हीटू इशू ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन गेम का काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है, और वो जो रियल टाइम में जो डाउनलोड था उसका स्पीड बढ़ गया है दोस्तों। और लेकिन वो डाउनलोड होने के बावजूद भी आपका रियल टाइम में डाउनलोड होते रहेगा, ये इशू फिक्स होना चाहिए, तभी जाके कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन अच्छा चलेगा। दूसरी चीज़ मालूम ये चला कि जो भी गेम प्ले आप खेल रहे हो उसका जो पिंग इशू आता है किसी किसी का, वो भी उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्राई किए हैं, तो कुछ अपडेट किए हुए हैं, बग कुछ फिक्स किए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि गन का मैकेनिज्म वैसे का वैसा ही है, ग्राफिक्स थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ग्रास का, और जो उसका जो ग्राफिक्स का जो इंटेंसिटी था, जो हाई लो जो हम लोग सेटिंग करते थे, वो वैसे का वैसा ही है डिफ़ॉल्ट। अगर मैं चाहूँ तो उसे बढ़ा नहीं सकता, नहीं तो मैं और भी आपको हाई ग्राफिक्स पे आपको दिखाता। आशा करता हूँ कि अपडेट और भी आपको बहुत अच्छी लगी हो, और भी नए नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर चैनल को नया आया हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।